वेलकम टू क्राफ्टल इंडस्ट्री। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये हमारा फैब्रिक स्टोर होता है। यहाँ पे हर कलर का अलग अलग फैब्रिक हम यहाँ पे स्टोर करते हैं अपना, और इसमें हर तरह की क्वालिटी, कलर, रेंज सब हम एक साथ रखते हैं अपना। इसके बाद हमारे पास ये कुछ फर्मे होते हैं, हर साइज हर कलर के अलग अलग फर्मे हैं। हम उन फर्मों की मदद से कटिंग करते हैं फैब्रिक की सबसे पहले, और प्रॉपर तरीके से कटिंग करने के बाद कपड़े की एक एक चीज़ का बड़े ध्यान से किया जाता है। इसको कोई भी साइज़ गलत ना हो, क्योंकि अगर साइज़ कटिंग में ही गलत हो गया तो फिटिंग प्रॉपर कभी नहीं आ सकती। इसलिए पहले मार्क के लगा के प्रॉपर तरीके से फिर उसको ध्यानपूर्वक बड़े तसल्ली वक्त हम यहाँ पे कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद हमारे पास अगर कोई मोल्ड का है फॉर्म पैडेड वाला जो होती है, तो उसको हम इस तरीके से पैडेड की कटिंग करते हैं। ये सुपर सॉफ्ट वाइट कलर का हमारे पास फॉर्म्स होती हैं जिससे हम पैड कटिंग करते हैं, और हर चीज़ का बड़ी बारीकी से ध्यान दिया जाता है कि कोई भी साइज़ गलत ना जाए। इसके बाद हम फैब्रिक को जोड़ते हैं आपस के अंदर ताकि उसमें क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन रहे। सारे हमारे पास एडवांस मशीनें हैं जिसके थ्रू हम काम करते हैं, और इसके बाद एक एक चीज़ की सिलाई से हो या कोई भी इसके अंदर स्टिचिंग हो, डबल फैब्रिक हो, सबका पूरा पूरा ध्यान दिया जाता है। इसके बाद अगर हमारे पास कोई पैडेड है तो उसकी हम प्रॉपर तरीके से तैयार करते हैं। यहाँ पे चीज़ की सिलाई का ध्यान देना, वहाँ पर कितने टांके लगने हैं सबका ध्यान देना ताकि सभी की फिटिंग प्रॉपर आए। उसके बाद ये इलास्टिक लगाना है उसके ऊपर ताकि इलास्टिक में आपको सारे ग्लास मशीन से हो सकते हैं। बहुत हाई स्पीड मशीन है जिससे काम बहुत फटाफट होता है, टाइम बचता है। ये हमने स्ट्रैप लगाई है, अब ये पीछे के हुक हम लोग इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हुक लगाने के बाद इसमें साइज चार्ट लगता है, ये साइज और बैक हुक ये दोनों में इकट्ठे लगाते हैं, और ये बड़े ध्यानपूर्वक एक चीज़ के हमने पहले सिलाई करके अलग अलग रखे होते हैं। हमारे पास जो भी काम होता है बड़ी ही सावधानी से एक एक चीज़ की बड़ी बारीकी से कभी किया जाता है। जितने भी हमारे स्टाफ हैं सब वेल एक्सपीरियंस हैं। हम प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, और जैसे प्रोडक्शन कम्प्लीट होने के बाद हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं कि पीस को प्रॉपर क्वालिटी चेक करने के बाद हम फिर उसको हम पैक करके अपने क्राकल ब्रांड की पन्नी के अंदर इसको हम पैक करते हैं। उसके बाद हम इसको बॉक्स पैकिंग के लिए दे देते हैं। बॉक्स पैक होकर फिर ये मास्टर कार्टून्स में जाते हैं, और मास्टर कार्टून कंप्लीट होने के बाद इनमें फिर आगे सप्लाई करते हैं मार्केट्स में।